जो उमैमा खान टेंट हाउस के अंदर है, आज इनको देखते हैं क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैमा खान, कैसी हैं आप? क्या कर रही हैं यहाँ पे टेंट हाउस में? क्या कर रही हैं आप, खेल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, पिलो भी रखा हुआ है। अच्छा, आप इधर रहती हैं? ये देखें जी, उमैमा खान यहाँ पे आराम कर रही हैं टेंट हाउस में। इन्होंने एक अपना ही अलहदा आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है। उमैमा, मैं भी आ जाऊँ अंदर? मैं देख सकता हूँ आके आपका? क्या हम आपके घर में शूटिंग कर सकते हैं? अच्छा, जगह है मेरे लिए? ओके, चले। आप रेस्ट कर रही हैं? अच्छा चले, मैं इस वीडियो को ख़त्म करके फिर मैं आपके पास आके बना लेता हूँ। ओके डन। जी मैं टेंट हाउस में आ रहा हूँ। डन, ये साथ एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया आपने? इसी टाइम कर दी एक्सरसाइज? मत करें, ऐसे गिर जाएगा ना फिर। जैसे आप कर रही हैं पाँव से, उसको स्टिक को ना हटाएं। चलें ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ओके जी, मैं आ रहा हूँ। डन डन, आज आपके लिए दादा है। ओके जी, थैंक यू जी, मेरे लिए जगह है। अस्सलाम वालेकुम, माइंड चेंजिंग व्लॉग की नई एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ जी। ये है जी मेरा आइसोलेशन वार्ड, और साथ उमैमा खान भी मेरे साथ है। हम दोनों यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहे हैं। उमैमा बैठ बैठ जाए, इतनी शरारतें। साथ ही आपने कैमरा देखते ही आपकी शरारतें शुरू हो जाती है। ये जी टेंट हाउस है उमैमा खान का, इसके अंदर मैं और उमैमा जो है वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और बॉल्स हमने रख ली हैं, इनके साथ हम खेलेंगे। उमैमा खान, बॉल्स आपकी दिखाएं, उठा कर बॉल्स दिखाएं, बॉल्स जल्दी शाबाश लेके आएं। ग्रीन, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बॉल लेके आएं। पिंक, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए उमैमा खान की शरारतें। उमैमा खान ने टीवी पे सुना था जी कि वो कह रहे हैं कि अपने आप को आइसोलेट कर लें और बाहर जाने से गुरेज करें, क्योंकि बाहर क्या है उमैमा, बाहर क्या है? वायरस है बाहर। तो उमैमा खान ने मुझे कहा, बाबा मुझे टेंट हाउस खोल दीजिए, मैंने थोड़ी देर के लिए आइसोलेशन में जाना है। तो उमैमा ने फिर साथ मुझे दावत भी दे दी कि बाबा आप भी इसी में आ जाएं, तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए इसमें बैठते हैं क्योंकि बाहर वायरस है। तो आप भी अपना ख्याल रखें और अपने आप को आइसोलेट करें, घर में ही स्टे करें, और घर में ही रह के जो एक्टिविटीज़ प्लान करें। बल्कि मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये जो हॉलीडेज हमें मिली हैं 15 दिन की, ये ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग इसलिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत फास्ट है, एंड वी हैव नो टाइम फॉर अवर फैमिली, एंड वी हैव नो टाइम। बेटा आ जाए, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए जल्दी से, कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता अपने आप के लिए भी। तो इन 15 दिन को गनीमत जानते हुए हम अपनी हैबिट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, अच्छी हैबिट्स, जिसमें बुक रीडिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, और 15 दिन करने से हमारी वो हैबिट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अपने स्लीपिंग आवर पूरे ले सकते हैं, टाइम पर सो सकते हैं, अपने डाइट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और हम इसके साथ साथ, अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है, जो कि आप सब जानते हैं कि अप्रैल के 3rd अशर में इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए अभी से हम प्लान कर सकते हैं, अभी से अपना इंटरनल जो एक हमारा सिस्टम है, रूहानियत जिसे कहते हैं, रूह है, उसको हम ताज़ा कर सकते हैं, उसको ताकतवर कर सकते हैं, उसको एम्पावर कर सकते हैं, उसको इनरिच कर सकते हैं। नमाज अच्छे तरीके से पढ़ें, जिक्र अस्कार प्लान करें, कुरान पाक की तिलावत स्टार्ट कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जिसको आप प्लान करके अपने इंटरनल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, और अपने टाइम को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और चूँकि मुझे याद है कि ये वायरस आने से पहले, 2 महीने पहले, हम सब एक छुट्टी के लिए इंतज़ार करते थे, जब वो संडे की थी, कि संडे आएगी तो छुट्टी होगी, तो हम ये करेंगे। अब तो हमें एक किस्म की एक ब्लेसिंग है हमारे पर, कि हमें 15 डेज़ की हॉलीडेज़ मिल गई हैं। अब उनको हॉलीडेज़ को बजाय से कि हम पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ करें, घर में रह के चीज़ें प्लान करें, चीज़ें एक्टिविटीज़ अपनी प्लान करें, हम बाहर जा रहे हैं फिर वही काम कर रहे हैं जिससे हमें मना किया जा रहा है, तो अपना और अपने घर वालों का, मोहल्लेदारों का, सबका ख्याल करें। उमैमा खान अब क्या करें, सबका ख्याल करें और घर में ही रहें, घर में रह के जो है अच्छी आदतें जो हैं वो अपनी डेवलप करने की कोशिश कीजिए, और इस टाइम को पॉजिटिव तरीके से गुजारें, और कभी तन्हाई में बैठ के अपने आप से भी बात करें, अपने आप को वक्त दें थोड़ा सा,
जो हम एक स्पीड में भाग रहे थे और मटेरियलिस्ट अप्रोच के तहत एक बस एक दौड़ लगी हुई थी उसको स्टॉप करने का टाइम मिला हमें. वी हैव 15 डेज टू थिंक अबाउट इट. बेटा प्लीज सिट डाउन प्लीज. देख लें अब आपके साथ ही शरारतें जो है ना वो शुरू हो जाती हैं. कैमरा देखते ही आपने शरारतें शुरू कर दी. ये क्या कर रही हैं आप? मामा खान के ऊपर बॉल्स रख देते हैं. बॉल्स डाल दूँ जी आपको. बॉल्स रख दीजिए बॉल्स. ये जी मामा खान की ये टेंट हाउस की वेंटिलेशन के लिए हवा क्रॉसिंग के लिए ये जगह छोड़ी हुई है. एक इधर है यहाँ पर ये ऊपर से बंद है सारा. ये एंट्रेंस है यहाँ से. ये देखिए जी ये उमाइमा खान ने बॉल्स बाहर भी फेंक दिए. बॉल्स अंदर ले आओ जी सारी. चलो जी ग्रीन कलर है शाबाश. ये कौन सा है पकड़े बोली वाली? ये वाली बॉल है पिंक. शाबाश ये वाली. वाह वंडरफुल माशाल्लाह. ये ना जी ये दिस वन पिंक. ओके दिस वन ब्लू. नहीं दोबारा देखें. यस यस ठीक है करीब पहुंच. नहीं पर्पल. यस शाबाश. बहुत अच्छी बच्ची है. जीते रहो बेटे. पर्पल यस. आप बैठी देख लें फिर आप साथ ही शरारते हैं. यह क्या करने हैं यहाँ टेंट हाउस में आप? आपने अपने आप को इसमें बंद कर लिया जी. क्यों? आप तो भी बंद कर लिए. मैंने भी बंद कर लिया. वायरस से बचने के लिए जी. वो अंकल बता रहे थे टीवी में जी. वायरस के बारे में. ये ग्रीन है. ये ग्रीन है शाबाश. बहुत अच्छे. ये भी ग्रीन है. वेल डन. ये थी मम्मा ये थी पापा है. हैं ये कैसी बात है? ये मम्मा है ये पापा है. और कोई मैसेज आप देना चाहें तो? शबट्टा साहब कोई और मैसेज देना आपने? देख लें फिर. देख लें फिर बाबा की तरफ थ्रो कर रही हैं आप बॉल्स. ये वाली भी बोल लो. ये वाली भी बोल लो. किधर जा रहे तो? आप ये वाली बोल ले लो. आप ये वाली बोल ले लो. फिर ये वाली. हम अगर अब कर ओके जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. घर में रहिए. अल्लाह हाफिज. स्टे एट होम. स्टे सेफ. प्लीज घर में रहिए. बाहर ना जाइए. अपना और सबका ख्याल कीजिए. ओके अल्लाह हाफिज. मामा आपके लिए पैगाम कुछ देना चाहें तो आप प्लीज कहें. कहें सबको कहें कि प्लीज घर में रहिए. प्लीज घर में लाइक. प्लीज मुझे माफ कर दो. ये जी मामा खान की बातें सुनिए आपने. करिए प्लीज मुझे माफ कर दें. प्लीज घर में रहें. स्टे सेफ. स्टे एट होम.